Hi, welcome back to the channel. I'm really sorry I've not been consistent since the past few weeks. I was not very well, physically, emotionally, mentally not well. तो आई वॉज नॉट फिल्मिंग एनी वीडियोज़, और रोस्टर भी बहुत हेक्टिक था. बहुत शॉर्ट लेओवर्स मिल रहे थे, बस जाना 12 घंटे का लेओवर और वापस आना, यही चल रहा था इस महीने स्टार्टिंग से लेके अभी तक. तो कोई भी वीडियोज़ नहीं आ पाई. आई नो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद एक वीडियो लेकर आऊँगी, बट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था. सो आई एम बैक एंड अभी मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करती हूँ. तो वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने थे. देर आर सो मेनी अपडेट्स दैट आई वॉन्ट टू गिव यू गाइज, बट फॉर नाउ जो भी आपने पूछा है इस वीडियो में मैं सिर्फ वही आंसर्स देती हूँ. बाकी आई विल ट्राई टू मेक अ न्यू वीडियो जल्दी से विद न्यू अपडेट्स, और जो भी मुझे आप लोगों को बताना है, नई चीज़ें, बहुत सारे नए टॉपिक हैं जो कवर करने थे. लिस्ट बनी है पूरी लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, बट जो भी है मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देना स्टार्ट करती हूँ. मैं यूट्यूब कमेंट से स्टार्ट कर रही हूँ, जो भी आप लोगों ने कमेंट किए हुए हैं. लेट्स स्टार्ट. तो जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था उस पर कुछ कमेंट्स आए थे, काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, पर मैं सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करके अभी आंसर देती हूँ उसका जो भी है. सो सबसे पहले खुशी कश्यप हैज़ आस्ड, इज़ इट मैनेजेबल फॉर द गर्ल्स टू गेट मैरिड एंड बींग अ क्रू देयर इन कतर एयरवेज? हैव यू सीन एनी वन ऑफ देम मैनेजिंग एवरीथिंग? एंड एज अ यूट्यूबर बींग देयर इन कतर, डू ब्रांड्स अप्रोच यू टू कोलैबोरेट? डू यू गेट प्रमोशंस इवन आफ्टर बींग देयर इन अनदर कंट्री? मोर लव टू यू. सो ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट मैनेजेबल फॉर द गर्ल्स टू गेट मैरिड एंड बींग अ क्रू? येस, डेफिनेटली इट इज़. मैं कितने सारे ऐसे क्रू से मिली हूँ हु आर मैरिड, आइदर देयर फैमिली इज़ हियर इन कतार विद देम, और दे हैव अ फैमिली बैक होम एंड दे फ्लाई बैक होम एवरी मंथ टू मीट देयर फैमिली, और रिक्वेस्ट फॉर द फ्लाइट्स टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन वेर दे कैन मीट देयर फैमिलीज. तो डेफिनेटली इट इज़ मैनेजेबल, कर सकते हैं लोग ऐसा. एंड येस, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल, एंड मोस्ट ऑफ देम आर सुपरवाइजर्स जिनकी फैमिलीज हैं, दे आर मैरिड, दे हैव किड्स एंड दे आर मैनेजिंग इट ऑल. एज अ यूट्यूबर डू ब्रांड्स, सो बेसिकली फर्स्ट थिंग, आई एम नॉट अ यूट्यूबर. आई मीन आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई नॉलेज विद यू गाइज. तो मेरा तो बस इतना ही पर्पज़ था, इसके अलावा ब्रांड्स एंड कोलाब्रेशन और ये सब मेरा कोई मोटिव ही नहीं था यूट्यूब स्टार्ट करने का. बट नो, एज ऑफ नाउ नो कोलाब्रेशन्स. ओके, सो द सेकेंड वन इज, नाउ डेज हाउ मच टाइम आर कतर एयरवेज टेकिंग आफ्टर ब्लू बैकग्राउंड फोटोज? आई विल सबमिट माई फोटोज इन सम पर्टिकुलर डेट. आई नो फॉर यू दे टुक मंथ्स आई थिंक ड्यू टू कोविड, बट आई एम आस्किंग फॉर नाउ डेज. आई होप यू हैव समवन इन योर कॉन्टैक्ट हु कैन गिव अ प्रॉपर इन्फो. सो आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन कॉन्टैक्ट राइट नाउ जिनका ब्लू बैकग्राउंड वेरीफिकेशन स्टार्ट हो गया या होने वाला है एंड ऑल ऑफ दैट. सम पीपल आर गेटिंग इट वेरी क्विक, लाइक 2 महीने में बुला लेते हैं उनको, कुछ कुछ लोगों को 3, 4, 5 महीने भी लग रहे हैं. सो कतर एयरवेज का यही प्रोसीजर है, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दिया जाएगा आपको. आपको नहीं बता सकते कि आपको 2 महीने में बुलाएंगे, 3 महीने में बुलाएंगे. इट ऑल डिपेंड्स कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या नीड है इस टाइम पे, उनको क्रू कितनी जल्दी इस समय चाहिए, उस पर डिपेंड करता है. तो सॉरी, कोई पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती मैं आपको इसके लिए. ग्राउंड स्टाफ, अपकमिंग इंटरव्यूज इन दिल्ली प्लीज टेल. आई एम सो सॉरी, आई वोंट बी एबल टू टेल यू अबाउट दिस, क्योंकि ये तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी. अगर आपको ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे सारी वैकेंसीज आती हैं. और किसी भी वेबसाइट पे जाके अप्लाई मत करना, आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना, वरना स्कैम भी हो सकता है जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है. तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कतर एयरवेज के लिए. नेक्स्ट वन इज, हे होप यू आर डूइंग वेल, आई वांटेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चंस एंड आई रियली होप. ओके, दिस इज अ वेरी लॉन्ग कमेंट. ओके, आई विल आंसर वन बाय वन, इट्स सो लॉन्ग.
I wanted to ask several questions and I really hope you do answer. I had DM'd you on Instagram as well, but you didn't respond. I'm so sorry if I'm not able to reply you on Instagram because इतने सारे DM आते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं वीडियोज़ के थ्रू रिप्लाई करूँगी, बट जॉब के साथ साथ ये करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बहुत हेक्टिक हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कब शूट करूँ वीडियोज़, बट एनी वे आई आंसर योर क्वेश्चन हियर. I also wanted your help with my CV. So I've cleared my 10 plus 2 with meds plus math back in 2018 and I dropped out of two colleges since then. Due to some challenges I faced, I mostly had to sit home and do the household chores. So I haven't applied for any job either. I've always wanted to be a pilot but couldn't afford it. But due to my undying and eternal love for aviation, I still want to at least work as a cabin crew. That is amazing. And I want to go for Qatar Airways only because I can't afford fee. I can, but my family is not really much supportive. So I wanted to ask, will they even accept my CV given that I have no work experience and no degree or diploma? Just 12th qualified with nothing but love for aviation. Should I even try? Definitely you should try. ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि आपके पास degree नहीं है या फिर आपके पास previous work experience नहीं है. Definitely you should apply for Qatar Airways and I'm sure you'll make it. And seeing this, ki you love aviation so much, I'm sure you'll be able to clear the interview. क्योंकि जब लोग ऐसे ही randomly आ जाते हैं ना interview के लिए, और कुछ लोगों को तो मिल भी जाता है job ऐसी जिनका कोई लेना देना नहीं होता है aviation से, कोई passionate नहीं होते हैं उस job के बारे में, फिर भी उनको job मिल जाती है कभी कभी, किस्मत अच्छी होती है किसी की तो. But if you love aviation, you will get it. एक दिन ज़रूर आएगा. मतलब मैंने इतने सारे interviews दिए हैं बट आई नेवर गिव अप, और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी गिव अप नहीं करो, ट्राई करते रहो और एटलीस्ट एक बार तो इंटरव्यू के लिए जाओ ही. लेट्स सी व्हाट दे से. एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी डिग्रीज इम्पॉर्टेंट है इधर आने के लिए. ऑल्सो कैन आई अप्लाई फॉर द इंटरव्यू विदाउट पासपोर्ट इन द मेकिंग? पासपोर्ट, इफ यू डोंट हैव अ पासपोर्ट राइट नाउ, आप इमिडिएटली अप्लाई करो पहले तो उसके लिए. और इंटरव्यू तो आप दो ही, इंटरव्यू के लिए जाओ और उनको मेंशन करो कि आपका जो पासपोर्ट है अभी आपने अप्लाई किया हुआ है. आई थिंक क्योंकि इतना लंबा टाइम लगता है इनको हायर करने में, आई थिंक दिल बी ओके विद दैट. हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बिकम अ कतार कैबिन क्रू? जीरो, नथिंग. इट डजेंट कॉस्ट एनी थिंग विद ऑल द एक्सपेंसिस फ्रॉम इंटरव्यू टू लिविंग इन दोहा. इंटरव्यू का कोई एक्सपेंस नहीं है. मैंने लिटरली सरोजनी के कपड़े पहन के इंटरव्यू दिया था और यहाँ आने तक देर इज़ नो, दे विल नॉट आस्क यू फॉर अ सिंगल पेनी. इनफैक्ट यहाँ आने के बाद दे विल गिव यू ज्वाइनिंग बोनस टू सर्वाइव फॉर द फर्स्ट मंथ जब तक आपकी सैलरी नहीं आती है. तो इट्स वेरी इजी, बहुत इजीली आप कर सकते हो. आपको, मैं घर से कुछ भी अमाउंट लेकर नहीं आई थी जब मैं यहाँ पे आई थी, तो इट्स परफेक्टली ओके. कुछ भी, यू डोंट हैव टू पे एनी थिंग एनी वेयर, फ्रॉम द टिकट्स टू कमिंग हेयर टू द अकोमोडेशन टू एनी थिंग. What tests are done? I really hope you answer this thoroughly. Take care. So, मैंने already बताया हुआ एक video में कि कैसे यहाँ पर मैं आई थी और क्या खर्चा मेरा आया था. वो मेरा personal expense था, company ने कभी भी कोई चीज़ का ऐसा नहीं था कि ये particular makeup करना है या आपको ये particular product होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था. तो you can manage. How to answer questions during interview? Please make a video. इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं अलग से इसके लिए I'll make a video for you. In Qatar Airways, which cabin crew have to wear skirts and who have to wear pants? जब आप यूनिफॉर्म आपको दी जाएगी तो दो स्कर्ट और दो ट्राउजर्स आपको दिए जाते हैं, एंड इट्स योर चॉइस वॉट यू आर वेयरिंग, कम्प्लीटली योर चॉइस. बट फॉर मी, इन माई केस, आई हैव अ बर्थ मार्क मेरे पैर में विच इज विजिबल वेन आई एम वेयरिंग अ स्कर्ट, इवन दो आई वेयर अ स्टॉकिंग्स, उसके बाद भी वो दिखता है. तो इसलिए दे डिड नॉट गिव मी एनी स्कर्ट्स, दे गिव मी ओनली ट्राउजर्स, और इसलिए मैं सिर्फ ट्राउजर्स ही पहनती हूँ. बट फॉर अदर क्रू इज देयर ओन चॉइस. हे दिव्यांशी, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर दिस कम्युनिटी पोस्ट. आई वॉन्ट टू आस्क दैट वॉट ऑल मेडिकल टेस्ट डू दे डू, वॉट टू एक्सपेक्ट? फॉर इंस्टेंस, इफ समवन हैज लो हिमोग्लोबिन देन दे विल सेलेक्ट यू एंड गिव यू टाइम टू रिकवर दैट, और डू दे रिजेक्ट यू? Like not only hemoglobin, if there's any vitamin deficiency or anything abnormal is found and which can be treated, so what to expect? पहली बात तो मेडिकल होंगे आपके दोहा आने के बाद, जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे.
दो हाँ आने के बाद आपके मेडिकल्स होंगे जब, तो उसमें सारे टेस्ट करवाए जाएंगे. इफ़ योर हेमोग्लोबिन इज़ लो, वाइटामिन डिफिशियंसी और एनीथिंग, दे विल गिव यू टाइम, बिकॉज ये होता है हमारा एब इनिशियो ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले. तो जो हम ट्रेनिंग करते हैं उससे पहले हमारा मेडिकल टेस्ट हो जाता है, जस्ट इन केस आपका हेमोग्लोबिन या वाइटामिन कुछ भी कम आता है, तो आप ट्रेनिंग के टाइम पे यू कैन वर्क ऑन इट, एंड आफ्टर द ट्रेनिंग दोबारा से यू विल बी आस्क्ड टू गेट टेस्टेड, और फिर अगर नॉर्मल आता है यू विल गेट द फिटनेस टू फ्लाई सर्टिफिकेट एंड देन यू कैन फ्लाई. आई रियली वॉन्ट टू नो दैट वॉट इज द ओवरऑल इनिशियल सैलरी वी विल गेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग एज वेल एज आफ्टर ट्रेनिंग. आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस, प्लीज गो चेक दैट आउट. सेकेंडली, वॉट मंथली एक्सपेंस शुड बी एक्सपेक्ट एज फॉर गुड फूड एंड थिंग्स वी हैव टू मैनेज बाई आर सेल्स, सो वॉट वुड बी द मंथली एक्सपेंस इन दोहा? टोटली डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल, इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल. थोड़ा एक्सपेंसिव है इंडिया से, बट मैनेजेबल है, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. तो मे बी एक्चुअली मेरे को DM भी किसी ने किया था कि इस बारे में वीडियो बनाने के लिए, वॉट इज़ द मंथली एक्सपेंस इन दोहा. मैं ना ये पूरा एक बार कैलकुलेट करके विद द वाईफाई बिल्स एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू. अलग से वीडियो आई विल मेक फॉर दिस. व्हाट अबाउट स्किन BMI? स्किन BMI आई डोंट अंडरस्टैंड, बट अबाउट स्किन देयर इज नथिंग. हाउ टू आई एक्सप्लेन? स्किन को लेके तो कुछ लेना देना है नहीं, इट शुड बी क्लियर, दैट्स इट. एंड BMI दे चेक इन द मेडिकल्स. If you are overweight, they will ask you to lose weight. If you are underweight, they will ask you to gain weight during the training so that you can be fit to fly after the training. How did you convince your parents about your safety and security while living in Doha, Qatar? Ek video maine upload kiya tha when my mother was here in Doha with me. Unke saath maine ek video banaya hai and she has explained everything in that. Unhone bahut acche se explain kiya ki kya unhone pehle socha tha and then how everything turned out to be. जब मैं दोहा आई, दोहा इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस यूल बी इन, तो मैंने बताया उसमें मैंने कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को, और मेरी मम्मी ने खुद से बताया कि वो कैसे कन्विंस हुई है. तो सो यू बेटर गो वॉच दैट वीडियो. इज इट मैंडेटरी टू हैव अ सरनेम ऑन पासपोर्ट? आई डोंट थिंक सो. इट्स योर, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम नेम है और आई थिंक इट्स फाइन, बट अगर किसी डॉक्यूमेंट में सरनेम भी मैंशनड है देन ऑफकोर्स पासपोर्ट शुड हैव योर सरनेम एज वेल. सैलरी के बहुत सारे क्वेश्चन है, प्लीज गो वॉच द वीडियो जो मैंने सैलरी के बारे में अपलोड किया है. गाइज, जो मैं ऑलरेडी एक टॉपिक के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, तो मैं उसका आंसर बार बार कैसे दूँ? मतलब हर वीडियो में मैं एक ही चीज़ मेंशन नहीं कर सकती हूँ, तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपका क्वेश्चन है क्या ऑलरेडी उस बारे में एक वीडियो बना हुआ है. अगर बना हुआ है तो आपको जाके चेक करना पड़ेगा. जस्ट वॉन्ट टू आस्क इफ दे चेक हाइट और नॉट. ऑफकोर्स दे चेक हाइट, ये तो स्टार्टिंग में ही चेक कर लेंगे वो इंटरव्यू वाले दिन. दे विल आस्क यू टू टच 212 centimeters. यू सेड यू एबल टू रीच 218 centimeters ऑन टिप टोज. 212 होता है जो आपको टच करना होता है. यू ऑल गुड, गो अप्लाई फॉर द वेकेंसी और फटाफट दोहा आओ. आई हैव एन ऑपरेशन इन माई कॉलर बोन, देर इज अ प्लेट इन माई कॉलर बोन, विल द एयरलाइन एक्सेप्ट इट? शुड आई डिक्लेयर इट इन मेडिकल्स? ऑफकोर्स यू हैव टू डिक्लेयर इट इन मेडिकल्स. कोई भी इतना मेजर इशू होता है तो उसको डिक्लेयर करना जरूरी है. हाउ टू बी मोर प्रिपेयर्ड ऑन इंटरव्यू डे? नाउ दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, लेकिन ओके. इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, आप कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च करके जाओ. अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च करके जाओ कि क्या है और हाउ इज़ इट, क्या उसके वैल्यूज़ हैं, ये सब थोड़ा रिसर्च करके जाओ. आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन. और योर ग्रूमिंग इज़ द मेन थिंग एंड योर स्माइल एंड कॉन्फिडेंस, दैट्स इट. डाउन टाउन गर्ल तनु, हे कंग्रेचुलेशन ऑन 1K सब्सक्राइबर्स, थैंक यू. इज पोस्टिंग इन यूनिफॉर्म अलाउड बिकॉज यू डिड ऑन इंस्टाग्राम? सो जो मैंने पिक्चर पोस्ट किया हुआ है वो था स्काई ट्रैक्स अवार्ड जब कंपनी को मिला था, तो हमें एक ईमेल रिसीव हुआ था कि हम स्काई ट्रैक्स अवार्ड के साथ यूनिफॉर्म में पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और पोस्ट भी कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर डेट थी, तब तक ही कर सकते थे, तो इसलिए हम लोगों ने किया था. अदरवाइज वी आर नॉट अलाउड टू पोस्ट यूनिफॉर्म में कहीं पे भी. यू विल नॉट सी एनी अदर पिक्चर और वीडियो ऑफ मी इन द यूनिफॉर्म. प्रॉब्लम्स यू फेस ड्यूरिंग ट्रेनिंग? ट्रेनिंग में प्रॉब्लम ये हुई कि ट्रेनिंग होती थी, मेरा मॉर्निंग बैच था तो सुबह नहीं उठ पाती हूँ मैं, मेरी प्रॉब्लम यही थी बस. और
एज अ फ्रेशर थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको बहुत से एविएशन टर्म्स नहीं पता होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एयरक्राफ्ट के बारे में नहीं पता होती हैं, दे आर कम्प्लीटली न्यू फॉर यू, एंड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, बट सब लोग कर लेते हैं. मेरे बैच में जितने भी लोग थे सबने क्लियर किया था, तो इट्स ओके, यू कैन डू इट टू. टॉप 5 टिप्स फॉर समवन हु इज कमिंग टू दोहा. इफ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, कैरी योर स्पाइसेस फर्स्ट थिंग, कैरी मैगी, अ लॉट ऑफ मैगी, और कैरी योर ओन मेडिसिंस. यहाँ पे मेडिसिंस बहुत स्ट्रांग नहीं देते हैं, तो आप इंडिया से अपनी मेडिसिंस लेकर आओ. कैरी योर मेकअप एंड बेसिक आइटम्स, जो भी स्क्रंचीज एंड ऑल, कैरी देम फ्रॉम इंडिया. यहाँ पे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है. एंड फिफ्थ थिंग इज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर होम सिकनेस. बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है और लोग वापस चले जाते हैं इस चीज़ के बाद, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके आना. कैन वी डू कोलैबोरेशन विद सम ब्रांड्स आफ्टर जॉइनिंग कतर? नो, वी आर नॉट अलाउड टू. कंग्रेचुलेशंस ऑन 1K सब्सक्राइबर्स, थैंक यू अगेन. हिंदी सिनेमा 3126. हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर फ्लैट मेट? माई फ्लैट मेट इज कोरियन एंड शी इज अमेजिंग. नेशनैलिटी ऑफ योर फ्लैट मेट क्या? शी इज कोरियन. आर रिलेशनशिप इज गुड, जस्ट लाइक एनी अदर फ्लैट मेट्स, बट वी सी ईच अदर बहुत रेयरली दीज डेज बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल दैट वी हैव. हमारे ऑफ डेज तो मैच बहुत ही रेयर होता है कि हमारे ऑफ डेज मैच करते हैं. महीने में एक दिन होगा, दो दिन होंगे जिस दिन हम लोग सेम डे घर पर होते हैं. बट हाँ, जब ये घर पर होते हैं तो वी कैन वी कुक टुगेदर समटाइम्स. वो आई एम वेजिटेरियन, तो वो मेरे लिए कभी वेजिटेरियन पास्ता बना लेती है, एंड इट्स ऑल गुड. वट हैपन्स इन द प्री फ्लाइट ब्रीफिंग? ओके, सो द प्री फ्लाइट ब्रीफिंग इज अबाउट द फ्लाइट दैट यू आर गोइंग टू ऑपरेट. सो आप जब जाते हो, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, योर नेम, योर नेशनैलिटी एंड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन कतर एयरवेज. ये उनको बताना होता है सारे क्रू को और जो सुपरवाइजर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उस टाइम पे. देन दे आस्क यू प्री फ्लाइट ब्रीफिंग क्वेश्चंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लाइक सेफ्टी एंड फर्स्ट एड क्वेश्चंस दे आस्क यू. हर फ्लाइट से पहले पूछा जाता है एयरक्राफ्ट टाइप के बारे में और फर्स्ट एड के बारे में, सो दैट टू रिफ्रेश योर मेमोरी, ताकि फ्लाइट में अगर कोई इमरजेंसी हो या कुछ ज़रूरत हो तो एटलीस्ट यू हैव एवरीथिंग इन योर माइंड. एंड दैट्स इट. फ्लाइट के बारे में हम बात करते हैं, कैसा पैसेंजर प्रोफाइल है. कोई किसी का पहले एक्सपीरियंस होता है उस फ्लाइट का, तो वो बताते हैं कि कैसी फ्लाइट है, कैसा, वॉट टू एक्सपेक्ट एंड ऑल. एंड डज एवरी क्रू डज अनाउंसमेंट इन द फ्लाइट? नो, सब लोग नहीं करते. कुछ पर्टिकुलर क्रू ही अनाउंसमेंट्स करते हैं. एंड ऑन वॉट बेसिस डज कैबिन क्रू डज इन फ्लाइट अनाउंसमेंट? मीन्स हाउ यू गाइज डिसाइड हु? सुपरवाइजर डिसाइड दिस, वो बता देते हैं, देन यू हैव टू डू इट. हाई, आई वॉज वंडरिंग वॉट द रिसेंट पॉलिसीज ऑन सोशल मीडिया फॉर QR. आर वी अलाउड टू मेक यूट्यूब व्लॉग्स और टॉक अबाउट द कंपनी वाइल वी आर स्टिल एम्प्लॉयड? आर वी अलाउड टू गेट इनकम फ्रॉम यूट्यूब एज वेल? आस्किंग टू लर्न, थैंक यू. नो, when you are working for QR, you are not supposed to be earning from some other platform. So yes, and the social media policies have not changed. Social media policies for QR are still the same. Isme kuch changes nahi aaye hain. We are expecting, kaash ho jaye kuch changes, but abhi tak to kuch nahi aaya. Yeah, that's it. These are all the questions that were there in my community post. Abhi I'll check my Instagram and jo bhi important DMs hain unke bare mein main aapko answer karne ki koshish karti hu jaldi se, and I'll try to make this video very short. Okay, so first DM jo mujhe bhi dikha, hi Dee, please make a video about grocery and how much general stuff costs. It will be helpful for knowing how much new crew can expect to spend on grocery. मैं पक्का promise इसके बाद वाला video I'll make on this only. कितना expense है monthly यहाँ पे? यार इतने सारे DMs के बीच में ना खो जाते हैं important questions. Okay, so सुशांत अरोड़ा ने DM किया है, hi Divyanshi, can I ask you something related to the assessment day? So guys, जब आप मुझे message करते हो hi, hello, can I ask you something, मैं सबका reply नहीं कर पाती हूँ, तो प्लीज़ जो क्वेश्चन होता है वो ड्रॉप किया करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि इम्पॉर्टेंट है. ओके, एंड गाइस प्लीज़ ट्राई दैट व्हेन यू आर आस्किंग समथिंग, वो यूट्यूब के कमेंट्स में ही हो, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं मिल रहे. अब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे गायब हो गए हैं, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आते हैं, वो मिक्स हो गए हैं. मैं सारे मैसेजेस खोल के नहीं चेक कर पा रही हूँ.
कोई भी क्वेश्चन होता है प्लीज़ यूट्यूब पे ड्रॉप किया करो, इट्स ईजियर फॉर मी टू चेक इट आउट एंड रिप्लाई रादर दैन रिप्लाइंग ऑन इंस्टाग्राम. ऑल्सो समबड़ी हैज़ टेक्स्टेड मी ऑन इंस्टाग्राम, हाई यू रियली इंस्पायर मी आफ्टर वॉचिंग यू योर यूट्यूब वीडियोज़, आई एम गेटिंग मोटिवेशन टूवर्ड्स माई गोल टू जॉइन इन कतर एयरवेज एंड आई होप यू टू सी इन रियल एज माई फ्यूचर सीनियर कलीग. गाइज थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट जब आप ये बात बोलते हो कि मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, तो यू हैव नो आइडिया मुझे कितनी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि यही मेरा मेन मोटिव था, यही मेरा मेन पर्पज था यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करने का, कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मैं उनको बताना चाहती थी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो. तो अगर आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है तो मेरा मोटिव पूरा हो गया है और मुझे बहुत खुशी मिलती है ये देखने के बाद. सो थैंक यू सो मच फॉर दीज लवली मैसेजेस. या दैट्स इट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. एंड नेक्स्ट वीडियो मैं पक्का अपलोड करूँगी इस बारे में, वॉट इज़ द एक्सपेंस स्टेइंग इन दोहा, क्या मंथली एक्सपेंसेज हैं, वॉट आर द हाउ इज़ द ग्रॉसरी एंड एवरीथिंग. तो प्रॉमिस नेक्स्ट, एक्चुअली आई एम गोइंग ऑन माई लीव्स सून, आई माइट नॉट बी एबल टू अपलोड दिस वीडियोज एनी टाइम सून, बट मे बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब फॉर श्योर. तो मैं फेब के फर्स्ट वीक में करती हूँ अपलोड इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आप इतने सारे लोग पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए शायद ये इंपॉर्टेंट है. तो ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन अनदर वीडियो, बाय.